स्टूडियो की टीम आज बड़सर विधानसभा क्षेत्र के जोली देवी ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं। यहां पे उप प्रधान पद के लिए दावेदार अवतार सिंह हमारे साथ जो कि एक युवा है मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अवतार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप बताएंगे, आप चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं? नमस्कार, पहले तो मैं एच टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। मेरा चुनाव में उतरने का एक ही मकसद है कि जो हमारे यूथ है वो आज नशों की तरफ जा रहा है। हमने यूथ क्लब में रहते हुए उनके लिए स्पोर्ट्स का बंदोबस्त करवाया है, उनके लिए जिम लगवाया है, और अगर मुझे एक मौका मिलता है पंचायत में रह के समाज सेवा करने का तो मैं इसको अवसर में बदलना चाहता हूँ। अवतार जी, आप मैं चुनाव में अभी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, क्या रिस्पांस आ रहा है लोगों का? लोगों का एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लोग भी बदलाव की तरफ बदलाव चाहते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि एक युवा आएगा और युवा सोच होगी तो वो मतलब यूथ को नशों से बचा लेगा और यूथ के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उनको हल करने का काम करेगा। आपकी जोली देवी पंचायत में मानते हैं कि पिछले जो पंचायतों के कार्यकाल रहे उनमें क्या विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया? उनमें तो लगभग मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है, विकास हुआ है वो ना के बराबरी है। लगभग आज रास्ते पक्के हुए हैं, उनकी जो मटीरियल लगाया गया है मतलब एक साल के अंदर अंदर वो मटीरियल अपनी जगह छोड़ चुका है, पानी के बहाव में बह गया है। जो क्रेशर लगाई थी वो क्रेशर निकल चुकी है और सड़कें जो बनाई थी वो वैसी नहीं है जैसी सड़कें होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी की तरह बना दी गई हैं। हमारे गांव में ही ऐसा देखने को मिल रहा है तो इसके विरुद्ध भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अच्छी सोच और नेक नीयत से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। युवा क्लब के अध्यक्ष हैं आप अपने गाँव यहाँ के, तो युवा क्लब के अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या मुख्य काम करे जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? युवा क्लब के अध्यक्ष रहते हुए हमारा 2011 में जो है वो क्लब रजिस्टर्ड हुआ था, उस क्लब में हमने सबसे पहले जो है वो अपने यूथ को एक स्ट्रॉन्ग मतलब करने की कोशिश की थी ताकि हमारे यूथ जो हैं वो एक होके हमारे साथ काम करें, समाज सेवा में हमारे साथ भागीदार बने। उनके लिए हमने जो गांव में जो गरीब लोग हैं सबसे पहले हमने एक यूथ ने एक साथ बैठ के मीटिंग करी, उसके लिए हमने सोचा कि जो गरीब लड़कियां हैं उनके माँ बाप की आर्थिक सहायता की जाए यूथ की तरफ से। तो हमने कुछ शादियों में 2100 रुपये यूथ की तरफ से अपनी जेब खर्चे से निकाल के उनके लिए हेल्प की। दूसरा, हमारा स्वास्थ्य के प्रति भी रहता है तो हमने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी लगवाए हैं, आयुर्वेदिक कैंप लगाए हैं, और एक हमारा जो सफाई अभियान रहता है वो हर गांव में रहता है, जोली देवी के हर वार्ड में जाके हम सफाई करते हैं, और एक नशा मुक्ति अभियान भी हम लोग चलाते हैं। नशा मुक्ति अभियान में हम जो लोगों के आसपास की जो भांग की खेती होती है आवारा, जो जैसे मतलब कहीं भांग पैदा हो जाती है उसको उखाड़ता है तो वो यूथ ही है जो उसको निकालता है। लोग कुछ लोगों का होता है कि हाँ हमारे यहाँ से भांग नहीं उखाड़नी है, ये नहीं करना है, तो उसके लिए भी हम उनको समझाते हैं कि भांग जो है वो यूथ को पतन की ओर ले जा रही है, इसके आदि हो रहे हैं लोग। कोरोना में भी आपने काम किया है, कुछ अहम बातें जो हमसे बताना चाहेंगे? हाँ जी, कोरोना काल में हमने जैसे हमें NYK की तरफ से थोड़ा गाइडलाइन मिलती है उसके लिए हम लोगों से शेयर करते हैं। कोरोना के लिए हमने जैसे मास्क मेकिंग हो गया, 450 मास्क बना के हमने SDM बड़सर को बड़सर में जमा करवाए हैं क्या, ताकि स्वस्थ जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए वो उपलब्ध हो सकें। और सोशल मीडिया पे हमने जागरूक अभियान चला रखा है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, और इसके अलावा हमने जो राशन वितरण का कार्य है वो करवाया है, वो अपने यूथ ने ही मिलके जो काम किया है वो है, यूथ ने 35,000 रुपये का राशन लिया है और गाँवों में अपने गरीब लोगों को भाइयों को दिया है जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे। इसके बाद हमने एक सैनिटाइज किया था पंचायत को, जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाते हैं वहाँ पे ड्यूटी दी है हमारे यूथ के वॉलंटियरों ने, और रात को 12-12 बजे तक यूथ वॉलंटियरों ने वहाँ पे अपनी ड्यूटी दी है। और ग्राम पंचायत जोली देवी के जो
गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, ग्राम पंचायत जोली देवी का दफ्तर है, फिर उचित वो अपना डिपो है, ऐसे मंदिर है, स्कूल है, वहाँ पे जाके सैनिटाइज किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हमने पंचायत के सहयोग से करवाए हैं। अवतार जी, आप क्या एजेंडा लेके मेन चल रहे हैं कि गांव की विकास करवाएंगे, अपनी पंचायत का विकास के लिए क्या मुख्यतः बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं आप? हमारा पंचायत का जो विकास है वो बहुत ही पीछे है। हमारा मेन मकसद है कि ग्राम पंचायत जोली देवी में जो इस टाइम स्थिति है उसको थोड़ा सुधारा जाए। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमने जनमंच में भी आवाज़ उठाई थी, टिप्पर में जनमंच हुआ था, वहाँ भी आवाज़ उठाई थी कि हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको 8 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। तो हमने वहाँ भी दरख्वास्त दी थी, अब उसका जवाब आया है। तो उन्होंने हमसे एक बिल्डिंग मांगी है कि जिसका किराया बिल हम नहीं पे करेंगे, हमें बिल्डिंग प्रोवाइड करवा दो। मेरी सरकार से विनती रहेगी कि ऐसा तो यहाँ पे बहुत कम होता है कि हम कोई बिल्डिंग प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट लैंड है यहाँ पे, 4-5 कैनाल है, उप स्वास्थ्य केंद्र के पास है, वहाँ पे एक कानगो हट बनाया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। हमने पंचायत में भी जाके रिक्वेस्ट की थी कि इसको हमें दे दिया जाए ताकि हम यहाँ यूथ के लिए जो जिम लगाया है उसके लिए यहाँ खोल सकें, लेकिन वो मना किया। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो उसके आसपास की जो जगह है, गवर्नमेंट लैंड है, लोगों के कब्जे हैं, उनको हटा करके वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि हमारी जो गांव की माताएं बहनें हैं उनको आने जाने में समस्या ना हो और इलाका वासियों को उसकी सुविधा मिल सके। अवतार जी, क्या आपका चुनाव चिन्ह और क्या जनता से अपील रहेगी? मेरा चुनाव चिन्ह टेबल है और मेरी जनता से अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और हर हर वार्ड में जाके मैं अपना मतलब सहयोग दूंगा। तो मेरा चुनाव चिन्ह टेबल है। मेरी जनता से यही अपील है कि टेबल पर मोहर लगाएं और विजय बनाएं और एक बार मुझे समाज सेवा करने का मौका दें। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत जोली देवी के उप प्रधान पद के लिए दावेदार अवतार सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि वैसे भी वैसे समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और जनसेवा करते आए हैं, और अगर पंचायत के निवासी एक बार उन्हें पंचायत में चुनने का मौका देते हैं तो लोगों की वे सेवा करते रहेंगे। एस टुडे के लिए जसवीर कुमार।